सारे आगते ने देख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज आप गल करांगे कि सूर्य देव जदों सत्तवें तो लैके बारहवें भाव के होंगे तो एक इंसान की जिंदगी दे विच की होंदा है। पहला तो सत्तवां भाव, सत्तवें भाव च बैठे हुए सूर्य देव शुभ नहीं मने जाते। सत्तवां भाव के सूर्य देव होंगे तो विआह देर के नाल होंदा है। दंपत्य जीवन जिहड़ा वह भी सुखी नहीं होंदा, पति पत्नी के विच अनबन रहिंदी है, प्यार नहीं रहिंदा। जे सूरज के उत्ते माड़े ग्रहों का प्रभाव पैंदा तां तलाक जरूर हो जाता है। कारोबार के इदा ही जो पार्टनर्स ने उन्होंने आपस के टकराव दी स्थितियां बनदियां ने। अठवें भाव के जो सूर्यदेव होंगे तो जातक को बहुत सारिया परेशानियों का सामना करना पैंदा है। जातक प्रदेश के निवास करता है, गुप्त विद्यावान इंट्रस्ट हों, धार्मिक मामलों के बहुत ही कट्टड़ हों। सूरज जो माड़ा हो जातक मारा मारा फिरता है, तो अपना कम का जो स्थान हैगा वार बार चेंज करता रहता है। सरकार तो उन्होंने कई बार अपमान पीड़ा या जुर्माना वह भी लग जाता है। नौवें भाव के जो सूर्य हो सूर्य के अशुभ होने जातक जो तेजस्वी होंगे है, उन्होंने पत्नी के पुत्र का सुख मिलता है, तो अपने खानदान की प्रतिष्ठा वधाने वाला होंगे। सूरज के उत्ते माड़ा प्रभाव होने के कारण जातक को जोड़ा है पितर सुख के प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति परंपरा के प्रति आचरण करके बदनामी हासिल करता है, तो वो अच्छा करैक्टर जे वो अपना निभाता है तो उन्होंने वो भी बड़िया प्रॉब्लम्स आदि हैं। भाग्य दी ठोकर जड़िया है उन्होंने मिलदियाँ, तो आम तौर पर वो बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसी हालत आती है। दसवें भाव के जो सूर्यदेव हो जातक जो विद्वान होंगे प्रतिष्ठित होंगे, अपनी कार्यकुशलता के बल के उ ही सफलता से सम्मान हासिल करता है। राजपक्ष तो जो पदवी तो सम्मान उन्होंने मिलता है, उच्च अधिकारी तो राजनेताओं मधुर संबंध बनते हैं। जे सूरज के उत्ते अशुभ प्रभाव हो जातक जो गलत कामों के फसन के कारण अपयश का सामना करना है, फिर सत्ता पक्ष के अधिकारियों के तनाव हो जाता है, टकराव हो जाता है। ग्यारहवें भाव की गल करते हैं, इतने सूरज के बैठन के नाल जातक जोड़ा युवा अवस्था के ही उच्च सफलता सम्मान हासिल करता है, उन्होंने राजपक्ष तो लाभ मिलता है, सो उसकी दोस्ती जी उच्च अधिकारियों के नाल राजनेताओं होंगी है। जे सूर्य अशुभ स्थिति के हो जातक अपने आप को अभिमानी तो सदाचारहीन आचरण वाला बना के शुभ चिंतकों भी अपना जो शत्रु बना लेंदा है, तो वड्डे भरा का उन्होंने सुख नहीं मिलता। फिर बारहवें भाव आखिर गल करते हैं कि सरकारी कारणों के नाल जातक जो धन जोड़ा है वह धन का नाश होता है, तो वह प्रदेश निवास कर सकता है। राजनेता की कुंडली के भी बैठा हुआ सूरज जोड़ा राजनैतिक जेल उन्होंने दे दिता है, सो ऐसे व्यक्ति को अग तो बिजली तो डर लगता है। सो बाकी होर भावों के बारे आने वाले टाइम के अलग अलग स्टार्स की असं थानू प्रेडिक्शन जी दसते रहेंगे। सो कि लगे अज का एपीसोड, जो वधिया लगे तो दोस्तों के नाल जरूर शेयर करियो, तो साडा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया सबसक्राइब करना ना भूलियो। सेम नाम तो साडा फेसबुक पेज भी है, उन्होंने भी तुसी लाइक कर सकते हो, तो इस तो अलावा बहुत सारे जिन्हें भी सोशल मीडियाज़ है सारे तो ही असं अवेलेबल है। एक चीज़ दसनी चाहेंगे कि साड़ी सिद्ध की हुई धूनी हैगी है विशेष, जे किसी को नज़र दोष, वास्तु दोष, तंत्र दोष है तो वह लै सकते हैं। सो इदा ही असी प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम टू टाइम, असी खुद उगाने हैं प्लांट्स जड़े, तो थोड़े ग्रहों के मुताबिक थानू फ्री गिफ्ट करते हैं, नो चार्जिज फॉर दोस। सो कि लगे अज का एपीसोड, वधिया लगे तो दोस्तों नाल जरूर शेयर कर दियो, तो साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर दियो। दोबारा फिर थानू असी क्या पूछ लीए कि भुल ना जाओ, तो सानू मिलना हो टाइम लैके नाम नोट करा के आके मिल सकते हो या टैलीफोन एक अपॉइंटमेंट भी लै सकते हो। साडा पता नोट कर लो, एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया, फोन नंबर 9417020533 तो वट्सअप नंबर 9872620533। सो जान तो पहले ही कहांगे सब तो वड्डा दर्जा माँ का, जो भी करवा जाते हो माँ के चरण चुके जाइए, पिता जी का आशीर्वाद लैके जाइए, गुरु जन ने दसे रस्ते से चलियो, झूठ ना बोलियो, गाला ना कढ़ियो, किसी का माड़ा ना करियो, तकदीर बहुत वधिया हो जाऊगी, तीन कुखां च ना मारियो, हर घर के बाहर एक रुख जरूर लगाइयो, नशा तो परहेज करियो, तो 10 पद कट के नेक कमां च खर्च करते रहियो, थोड़ी सारी लाइफ बहुत ज़्यादा वधिया होगी। कल फिर मिलांगे एक नवे विषय के नाल, नमस्कार।